इस लाल बटन को दबाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए ओनली फॉर यू चैनल को, और दबा दीजिए इस बेल को ताकि हर न्यूज पहुंच सके सबसे पहले आप तक। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली फॉर यू चैनल। मैं हूं भारत पटेल, आपका टेक्निकल एडवाइजर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने एंड्रॉयड फोन की स्पीड को 5 गुना तक बढ़ा सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें आपको किसी भी तरह की ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है, ये सिर्फ मोबाइल की कुछ इनबिल्ट सेटिंग से ही हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ भी दूंगा कि ये कैसे काम करता है और इसके लिए आपको क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अपना मोबाइल जो है ऑन कर लिया है। तो आपको सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन जो है इनेबल करना होगा। अगर आपने इनेबल करके रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया है तो आप ये आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद में जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा अबाउट फोन का। अबाउट फोन पर क्लिक कर दीजिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और ऑप्शन है MIUI वर्जन। दोस्तों, मेरा जो फोन है वो Xiaomi Redmi का है। तो Xiaomi Redmi, जैसा कि आप जानते हैं कि MIUI प्लेटफॉर्म पे वो काम करता है, ठीक है। तो अब डेवलपर ऑप्शन को चालू करने के लिए आपको इस पर 5 से 7 बार एक साथ क्लिक करनी है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, 5 से 7 बार आपको कंटिन्यूसली क्लिक करनी है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों, आप यहाँ नीचे एक मैसेज देख सकते हैं, नो नीड, यू आर ऑलरेडी अ डेवलपर। मीन्स मैंने तो ऑलरेडी ये चालू करके रखा है, तो मुझे इसे वापस करने की जरूरत नहीं है। तो अब चलते हैं बैक। बैक पर जाने के बाद में दोस्तों, वापस से मेन सेटिंग्स वाला विंडो आपके सामने आ गया है। अब आपको ढूंढना है कि वो जो ऑप्शन है डेवलपर कहाँ पे है। दोस्तों, कई बार ये आपको मेन मेनू में दिखेगा। अगर आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको एडिशनल सेटिंग्स में चले जाना है। एडिशनल सेटिंग में जब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए अब इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों, जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है डेवलपर ऑप्शन, आपको इसे यहाँ से इनेबल कर देना है, ठीक है। इनेबल करने के बाद में यहाँ पर आप नीचे जाइए और कुछ सेटिंग्स जो है आपको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एनिमेशन स्केल्स के कुछ जो है सेटिंग्स हैं, ठीक है। एक है विंडो एनिमेशन, दूसरा है ट्रांजिशन एनिमेशन, और तीसरा है एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। अभी फिलहाल जब मैं क्लिक करता हूँ, 1 या 2 सेकंड के लिए ये एनिमेशन होता है। जैसे कि मैं अभी वापस बैक पर क्लिक करूंगा तो ये एक एनिमेशन के फॉर्म में नीचे जा रहा है। चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 10x कर देता हूँ, ठीक है। सारे जो ऑप्शंस हैं इनको मैं 10x कर देता हूँ। आप देख रहे हैं कि अब ये कितना स्लो जा रहा है, ठीक है। इसको भी मैं 10x कर देता हूँ। तो अब जो है, एक विंडो से दूसरे विंडो तक जाने के लिए जो है, देख सकते हैं कि कितना स्लोली ये जा रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये है कि जब भी आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जाते हैं तो वहां पर कुछ हद तक जो है एनिमेशन होता है। अब यहां पर दोस्तों, अगर आप एनिमेशन ऑफ कर देते हैं, अभी मैं सारे ऑप्शंस पे एनिमेशन ऑफ कर दे रहा हूं, ठीक है, तब आप देखना कि क्या फर्क पड़ता है। अब आप देखिए, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, यहां पे किसी भी तरह का एनिमेशन नहीं है, एकदम फास्ट ये मूव कर रहा है। जैसे कि मैंने प्ले स्टोर खोला तो प्ले स्टोर में कोई भी तरह का एनिमेशन नहीं आएगा। फिर आप देखिए, अगर मैं किसी और स्क्रीन पे जा रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि ये काफी फास्ट अब वर्क कर रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर से चलते हैं सेटिंग्स में और चले जाते हैं डेवलपर ऑप्शंस में। मैं आपको और भी कुछ सेटिंग्स बता देता हूं। तो यहां पर आपको दोस्तों एनिमेशन ऑफ कर देना है, या तो फिर एनिमेशन का जो स्केल है वो 0.5 पे सेट कर देना है, क्योंकि विदाउट एनिमेशन तो आपको भी मजा नहीं आएगा और मुझे भी नहीं मजा आएगा। तो मैं एकदम इसको मिनिमम पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तो था एनिमेशन से रिलेटेड बात। उसके अलावा दोस्तों, आप नीचे चले जाइए। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने 2 और ऑप्शन है एप्स में, डोंट कीप एक्टिविटीज। दोस्तों, ये ऑप्शन काफी कमाल का है। जब आप इसको ऑन करेंगे
तो यहां पर दोस्तों जैसे ही आप किसी एप्लीकेशन को बंद करेंगे, मीन्स मिनिमाइज करेंगे, जनरली दोस्तों होता ये है कि जब आप किसी ऐप को स्टार्ट करते हैं उसके बाद जब आप बैक का बटन दबाते हैं तो वो जो है मिनिमाइज हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एक्टिविटी जो है बंद हो गई है, एक्टिविटी तो चालू ही रहती है। तो आपको क्या करना है, इसे इनेबल कर देना है। ये जैसे ही आप मिनिमाइज करेंगे ये उसकी एक्टिविटी को बंद कर देगा, ठीक है। तो आपकी मेमोरी जो है रैम की मेमोरी फ्री रहेगी। एंड यहाँ पर दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, अगर आप देख सकते हैं कि आप कितनी प्रोसेस चालू रखना चाहते हैं, अगर एक प्रोसेस करना चाहते हैं चालू, दो प्रोसेस, तो अगर आप ये नो बैकग्राउंड प्रोसेस करेंगे तो बैकग्राउंड में जैसे ही आप किसी भी चीज को मिनिमाइज करेंगे तो कोई भी उसकी प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। अब थर्ड जो ऑप्शन है मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पर दोस्तों आपको हाई रखना है तो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप ये सेटिंग्स करेंगे तो आपका मोबाइल डेफिनेटली जो है बहुत ही स्पीड में काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसे डेली 2 वीडियोस लेके आता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।